हेलो देसाई साहब हैं, मैं सुरेंद्र अग्रवाल बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मैं सुरेंद्र अग्रवाल बोल रहा हूँ। सर आपको याद है पिछले साल मैंने आपकी बहन के लिए एक अच्छा सा फ्लैट दिलवाया था। सर आज सुबह ही अखबार में दवानिया शिपिंग कॉरपोरेशन का ऐड पड़ा। सर आप तो जानते हैं कि मैं स्टेट एजेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं। सर ये काम मुझे ही मिलना चाहिए सर। हाँ सर आप कहें तो मैं आपसे वहां के मिल लेता हूं। ठीक है सर, ओके, मैं ठीक 11 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विनू जल्दी आओ, तुम्हारा नाश्ता। सुधीर तुम्हारी चाय। बाबा आ रहा हूं। विनू ओफो कहां विनू, ये क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो? जाओ जाकर यूनिफॉर्म पहनो, बस मिस हो जाएगी। नाश्ता करके मैं पहन लूंगा। चुप, ज्यादा बकबक मत करो, कहना नहीं मानते हो? जाकर यूनिफॉर्म पहनो, सबके पीछे पड़ना पड़ता है, जाओ। ओफो प्रीति क्या हो गया तुम्हें, सुबह सुबह क्यों डांट रही हो उसे? तुम्हें देर हो रही है तो उस पर क्यों गुस्सा उतार रही हो? अरे भाई नाश्ता करके भी तो यूनिफॉर्म पहन सकता है। आओ बेटा पहले नाश्ता करते हैं। तुम्हें क्या, देर तो मुझे हो रही है ना। किस डॉक्टर ने कहा तुम्हें नौकरी करने के लिए? कितनी बार कहा कि नौकरी छोड़ो, घर पर आराम से बैठो। लेकिन तुम, अरे भाई घर भी ठीक से चलेगा और बीनू की पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकोगे। लेकिन सुनो तब ना। और घर चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अच्छी कमाई कर सकता हूँ। ये बात तो पिछले कई सालों से सुनती आ रही हूँ मैं। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे चाची चाची 2 साल से अमेरिका गए हुए हैं और अपना ही फ्लैट हमें रहने को दे गए हैं, वरना चक्कर काटते रहते हर 11 महीने में नई जगह ढूंढने को। शुक्र मानो मेरे चाचा चाची का, वरना हमारी तो हैसियत ही कहें ऐसे आलिशान फ्लैट में रहने की। क्योंकि अगर तुम घर पर रहो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा वो कैसे? परसों की बात है, एक कस्टमर के साथ मीटिंग थी और मुझे उसी वक्त वीनू को स्कूल पहुंचाना, कस्टमर हाथ से निकल गया। तुम्हारा कस्टमर क्या, एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता? तो क्या हुआ कि सुरेंद्र ने उसे दूसरा फ्लैट दिखा दिया और कस्टमर को पसंद आ गया। फिर बास्टर मिलने दो सर। तो सुरेंद्र तुमसे ज्यादा होशियार निकला। उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा, लेकिन तुम बात क्यों डाल रही हो? तुम्हारी नौकरी छोड़ने की बात चल रही है। कुछ भी कहो, नौकरी छोड़ने को मत कहो मुझे। ओके बाबा फाइन, रिलैक्स। एक काम तो कर सकती हूँ, आज सिर्फ एक दिन की तो छुट्टी ले लो। नहीं मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती। विनू जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, आज पापा तुम्हें स्कूल छोड़कर आए। नहीं 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 प्रीति, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल्स करने और एक दो पार्टियों को भी मिलना है, आज तुम उसको स्कूल छोड़ो प्लीज। Sorry, I'm already late. मुझे पहले ही देर हो रही है। Bye, Vinu. चलो बेटा तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। शाबाश। मॉर्निंग मेट्रो एक्सपर्ट। शीला मैं प्रीति बोल रही हूँ, सुनो आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। अच्छा प्रीति, मैं बॉस को बोल दूंगी। अच्छा ओके। गुड मॉर्निंग मैडम। ओह गुड मॉर्निंग मिस्टर सुरेंद्र। सुधीर कैसा है? बस ठीक है। मैं कहीं छोड़ दूं? नहीं मैं चली जाऊंगी। स्टेशन ही जा रही ना, चलिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वीनू बेटा वो तेरी मम्मी थी ना? कहाँ, मैंने तो नहीं देखा। आज सर
ये रहे आपकी सिंगापुर की फ्लाइट के दो टिकट। थैंक यू वेरी मच डार्लिंग। सर प्रीति का फोन आया था कि वो आज नहीं आ रही है। मुझे पता है। हेलो हेलो हाँ आज रात की फ्लाइट है, तुम तैयार रहना। ओके हेलो सुधीर एस्टेट एजेंसी है। कौन? मनोज कोठारी साहब इंदौर से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा बॉम्बे आ गए, कब आए? कल। हाँ हाँ अच्छा वो प्रीमियम वाला फ्लैट देखा आपने, कैसा लगा? अच्छा लगा ना साहब। हाँ हाँ कोठारी साहब 30 लाख के आसपास में हो जाएगा। आप नेगोशिएबल है? हाँ जी। अब देखिए कोठारी साहब वो सुरेंद्र के चक्कर में मत पड़िएगा, वो जेन्युइन एजेंट नहीं है। हाँ जी जी हाँ जी हाँ। अच्छा ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने असिस्टेंट किशोर को आपके पास भेज देता हूँ कल, और वो आपको ओनर से भी मिलवा देगा, और बाकी बातें आप समझा दीजिएगा जैसा हो। ठीक है ओके थैंक यू बाय। किशोर इंदौर के मनोज कोठारी साहब यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने प्रीमियम वाला फ्लैट पसंद किया है, उनको कल जाकर उसके ओनर से मिलवा देना और बाकी सारी बातें तय कर लेना। ठीक है सर। और हाँ वो क्या नाम है दमनिया शिपिंग कंपनी, उसके ऑफिस में गए थे? जी हाँ मैं गया था, लेकिन देसाई साहब कुछ बिजी थे। हाँ उन्होंने कल मिलने के लिए कहा है। ठीक है तो कल विदाउट फेल जाके मिल लेना। ठीक है सर। दादी मम्मी अभी तक नहीं आई, मुझे हिस्ट्री का होमवर्क करना है। मम्मी नहीं आई बेटा? अरे अच्छा ऐसा करो तब तक दूसरा होमवर्क करो बेटा, तब तक मम्मी आ जाएगी। हाँ प्रीति अभी तक नहीं आई। हेलो हाँ अजीत बोल रहा हूँ। हाँ सुधीर क्या प्रीति अभी तक नहीं आई? ठीक है मैं पहुँचता हूँ। शीला क्या मिली? उसके सारी फ्रेंड्स को पूछ लिया? हाँ यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गई होगी? कम ऑन सुधीर तुम भी नर्वस, जरा ठंडे दिमाग से सोचो कहाँ कहाँ जा सकती है। यार सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स के यहाँ फोन करके पूछ लिया, किसी को कोई खबर नहीं, और फिर वो भी तो फोन करके बता सकती थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या क्या करें बताओ, क्या कर सकते? रिलैक्स रिलैक्स। आप उनके ऑफिस फोन करके देख लेंगे, बट शीला ने अभी भी बताया कि वो ऑफिस गई ही नहीं। आज सुनील को सुबह स्कूल ले जाते वक्त मैंने प्रीति को किसी की गाड़ी में बैठा देखा। कौन सी गाड़ी में? नहीं देख पाया बिकॉज मैं गाड़ी से बहुत दूर था। अच्छा गाड़ी किसकी थी ये पहचान? नहीं मगर गाड़ी का रंग लाल था। वो ऐसी कहीं एक्सीडेंट? Come on, किशोर, don't talk rubbish. अजीत, हो सकता है किशोर सही कह रहा हूँ, हमें कुछ हॉस्पिटल्स में इंक्वायर करना चाहिए। मगर वीनू, वीनू का क्या करें? उसकी आप चिंता ना करें, उसे खाना खिलाकर मैं सुलाऊंगा, आप वो करें। ठीक है ओके फाइन लेट्स गो। चलो साहब। किशोर तुम इतनी रात गए, तुम क्यों आए? मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आपने आज सुबह प्रीति मेम साहब को अपनी गाड़ी में कहाँ छोड़ा? क्यों क्या हुआ? वो सुबह से अभी तक घर नहीं लौटी। तुमने ये बात किसी से कही तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैंने आपका नमक खाया है। बहुत अच्छे किशोर, मैं उस नमक में थोड़ा सा घी भी डाल दूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुझे मालूम है अगर ये बात मैं किसी को बता दूंगा तो आप खामखा झमेले में पड़ जाएंगे। ठीक है अब तुम चलो। हाँ मैं चलता हूँ क्योंकि उनके बच्चे को घर में अकेला छोड़ के आया हूँ, फिर मिलेंगे। कुछ पता चला सर? नहीं।
सारे हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन्स छान मारे, कोई खबर नहीं। कोई फोन आया? जी नहीं। वीरू ने परेशान तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। ये अभी तक सो रहा है, इसका स्कूल, उसकी आप चिंता ना करें, इसे तैयार करके मैं स्कूल छोड़ा। किशोर यार थोड़ी कॉफी पिला दे, बहुत थक गए हैं। बिल्कुल अभी ला। थैंक्स। कॉफी पी के थोड़ा सो जा, नींद आएगी क्या यार? कोशिश तो कर। अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता कि किसकी गाड़ी में बैठी थी तो बहुत हेल्पफुल होता। तो सिर्फ एक ही आदमी मदद कर सकता है। सुंदर, बहुत सुंदर जी। फोटोग्राफ। क्या नाम बताया आपने अभी बीवी का? प्रीति। अच्छा, तो कल सवेरे 8:15 के दरमियान प्रीति आज जो ऑफिस के लिए निकली, जॉब तक घर नहीं लौटी, लेकिन वो कल ऑफिस में नहीं पहुंची। जी हाँ। इसके ऑफिस का नाम क्या है? मेट्रो एक्सपोर्ट। आपने अस्पताल में इंक्वायरी की? जी, उसके अलावा मैंने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट की। सुधीर, आपका किसी पर शक? शक तो नहीं कमांडर, मगर मैंने कल प्रीति को एक गाड़ी में जाते हुए देखा था। कब? कल सुबह ऑफिस जाते वक्त मुझे लगा कि उसका कोई दोस्त होगा जो उसे स्टेशन पे ड्रॉप करने वाला होगा। गाड़ी में कौन था? इतनी दूर से देखा कि पहचानना मुश्किल था। हाँ, गाड़ी लाल रंग की थी। आपका कोई दोस्त या पड़ोसी जिसके पास लाल रंग की गाड़ी है? मेरे ख्याल से मिस्टर सुरेंद्र की गाड़ी भी लाल कलर की है कमांडर। सुरेंद्र कौन है? एक एस्टेट एजेंट। क्या तुमसे उसे दुश्मनी है? दुश्मनी तो नहीं कमांडर, हाँ प्रोफेशनल जलसी जरूर कह सकते हैं आप। ये वही सुरेंद्र है जिसका फाउंटेन में ऑफिस है? जी। क्या किडनैपिंग की कोई संभावना है? से किसी को क्या मिल सकता है कमांडर? यू नेवर नो मिस्टर सुधीर, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। सुधीर, मैं बाहर रुकता हूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कमांडर, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर अजीत, आपको जो कुछ पूछना है इनके सामने पूछ सकते हैं। आपके और प्रीति के बीच में कभी तनाव था? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। आपको कभी शक हुआ है कि किसी गैर मर्द के साथ उसके संबंध है? क्या बात कर रहे हैं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ऑलराइट, अच्छा तो मैं चलता हूं। थैंक यू कमांडर। बताइए, कल आप अपने बेटे को स्कूल में छोड़ने के बाद कहाँ गए थे? मैं सीधे अपने घर आया था। आज उसे स्कूल छोड़ने कौन गया था? जी आज उसे स्कूल छोड़ने मैं ही गया था। आप? ये मेरे असिस्टेंट हैं किशोर, और इसके अलावा घर के छोटे मोटे काम भी कर देते हैं। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ जॉनी, बोलो क्या खबर लाए हो? मिसेस प्रीति मेट्रो एक्सपोर्ट में प्रभु दयाल की प्राइवेट सेक्रेटरी है। और किशोर कहाँ था उस दिन? वो सुधीर के काम से कुछ बाहर गया था। और व्हाट अबाउट अजीत? उसका खुद का बिजनेस है और 13 तारीख को अपनी ऑफिस में ही था।
तो फिर मैडम कहाँ गायब होगी? जहाँ भी गई हो सर, लेकिन हमें परेशान कर गई है। तुम्हें काम करो, सुधीर पे नजर रखो। ओके सर। गुड इवनिंग मिस्टर अजीत। ओ कमांडर, आई आई। काफी बड़ा फ्लैट है आपका। जी। क्या बात है, कुछ पता चला? नहीं अभी तक तो नहीं। बात यह है कि मिस्टर सुधीर ने बताया आप उनके अच्छे दोस्त हैं, सोचा आपसे मिलकर थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो मदद हो जाएगी। पूछिए, क्या पूछना है? सुधीर को आप कब से पहचानते हैं? यही कुछ 8-10 सालों से। दरअसल हम दोनों साथ में सर्विस करते थे, उसके बाद हम दोनों ने साथ में रिजाइन किया और अपना अपना बिजनेस शुरू किया। उसका बिजनेस कैसे चल रहा है? आई थिंक ही इज डूइंग वेरी वेल। तो फिर प्रीति को नौकरी करने की क्या जरूरत है? सच कहूं तो कमांडर, उनके बीच झगड़ा भी अक्सर इसी बात को लेकर होता था। प्रीति कैसी औरत है? आई मीन उनका कैरेक्टर, चरित्र। शी इज गुड। ऑफिस में भी काफी पॉपुलर थी, एम्बिशियस थी और जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी। चाहती थी ये चाहती है जी वो मैं। खैर छोड़िए इन बातों को। मिस्टर सुधीर ने आपको इस बारे में कब बताया था? उसी दिन रात को। आपको क्या लगता है प्रीति के साथ क्या हुआ होगा? जी ये मैं कैसे बता सकता हूँ, फिर भी ये तो आपका काम है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हेलो मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मीटिंग में जरा लेट पहुंचू। थैंक यू। पापा मम्मी कब आएंगी? पता नहीं बेटा। बताइए ना पापा। जल्दी आएगी। जल्दी मीन्स कब? बेटा मुझे ही नहीं पता तो तुझे क्या बताऊंगा तेरी मम्मी कब आएगी। हेलो इंस्पेक्टर चौधरी, सुधीर जी हैं? हाँ बोल रहा हूँ। हमें एक औरत की डेड बॉडी मिली है। व्हाट? डेड बॉडी? हाँ, हमें शक है कि शायद वो आपकी बीवी की हो। आप मॉर्ग में जाके आइडेंटिफाई कर लीजिए। हम लोग पहुंचते हैं।